समझना और समझाना हमेशा हमारे वश में नहीं। ओपन द सनरूफ, हम कोशिश कर रहे हैं 10 मिनट पहले पहुंच। काचो पापड़ पाको पापड़ काचो पापड़। किसको ली खुशी थी खजूर खाए, किसको ली खुशी थी खजूर खाए, किसको ली खुशी थी। हेलो गुड मॉर्निंग, श्री कृष्ण जी कहते हैं समझना और समझाना हमेशा हमारे वश में नहीं होता है, कुछ काम समय ही खुद करता है। गुड इवनिंग, लंच हमने खत्म कर लिया है, हम जा रहे हैं सिंधु भवन रोड, एक हमारे जैसे ही ब्रोकर मित्र हैं उनको मिलने जाने वाले हैं, लेकिन धीरेन भाई ट्राई कर रहे हैं इनको बोल के सनरूफ ओपन करने का, वो हम देखते हैं कैसे ओपन हो रहा है। ओपन द सनरूफ, हाउ कैन आई हेल्प यू। ओपन द सनरूफ, शोइंग टू रिजल्ट्स। Open the sunroof. Opening the sunroof. Ho gaya open. Wah. Aur band karo na, band puchhiye tumne. How can I help you? Open. Close the sunroof. I didn't hear you. Please try your command again after the beep. Close the sunroof. Showing two results. Close the sunroof. Sorry, I didn't understand. गजब बेइज्जती है. Please say, for example, अजी करो. Finally, किया ने सुन लिया एक बार. I still don't understand you. Please say, for example, first one. Open the sunroof. ओके तो वो, अरे वाह जबरदस्त, लाइक लुक ये अपने हिसाब से ही दोनों ओपन, मुझे लग रहा है कि ये ओपन करना पड़ेगा और वो कमांड से ओपन, लेकिन दोनों साथ में ओपन हो जाते हैं। चलो ग्रेट, अभी बंद करेंगे। How can I help you? Close the sunroof. Showing two results. Close the sunroof. Closing the sunroof. अरे जबरदस्त क्लोज हो गया, चलो फाइनली इतनी मेहनत के बाद ये क्लोज हो गया, ये नहीं हुआ, इसको करना पड़ेगा आज से, यानी फाइनली एक बार फर्स्ट टाइम हमने यूज किया ये कमांड, 2 साल होने को है किया को, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने यूज किया है, और ये आरजे देवकी को बोलेंगे कि वो हो जाए बंद। सिंधु भवन जा रहे हैं, क्लोज द रेडियो, क्लोज द रेडियो। Showing one result. Close the radio. Sorry, I didn't understand you. Please say, for example, first one. ये किया की जो सीरी है वो स्लो है, उनको समझ में नहीं आता उतना। I still don't located understand you. Z1 say, for example, first building. Located Z1 building. Showing one result. Located Z1 building. Sorry, I didn't understand you. Please say, for example, first one. Located Z1 building, Ahmedabad. Showing one result in Ahmedabad. ये बड़ौदा का लोकेशन दिखा रहा है और बोल रहा है कि अहमदाबाद. Ahmedabad Z1 building. Sorry, I didn't understand you. Please say, for example, first one. Okay, bye-bye. Siri, bye-bye. इससे क्या बोलते हैं, सीरी है, गूगल है, पता नहीं, लेकिन काफी स्लो है। सीरी भी नहीं है और गूगल भी नहीं, हम निकल चुके हैं ऑफिस नहीं सिंधु भवन जाने के लिए। यह है ऑफिस जहाँ पर हम मिलने आए हैं, और बिल्डिंग काफी अच्छी है, साथ में साइकिल जो रखी है वो थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। यह है मेन एंट्रेंस, धीरेन भाई पहुंच गए हैं आगे क्योंकि मैं कर रहा था वीडियो शूट, एंड लुक एट दिस,
स्पेशली आपको ये एंट्रेंस फोयर दिखाना था, इसलिए आगे से ही ले रहा था। लुक एट दिस, ये है एंट्रेंस फोयर। ओह वेरी नाइस। एक्चुअली जब अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम हम आए थे, और बनने के बाद बेसिकली नहीं आए हैं, तो ये जो है डिसेंट ऑफिस स्पेस है। हेलो बोल रहे हैं, चलो। सिंधु भवन से निकल गए हैं हम, और हम जा रहे हैं सीधा मिठाखली क्रॉस रोड, वहाँ पर एक काम था। और ये है वस्त्रापुर, और वस्त्रापुर लोकेशन है ये वस्त्रापुर लेक, और अल्फा वन मॉल वहाँ पे है। तो ये है वस्त्रापुर लेक का कुछ व्यू, काफ़ी टाइम से हमने विजिट नहीं किया है, एक दिन प्लान करते हैं। अंदर जो है रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे जाएंगे, तो लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी यहाँ पर अच्छी होती है। ऑफ कोर्स कितने काफ़ी टाइम से हमने विजिट नहीं किया है, एक बार ज़रूर से विजिट करेंगे। ये नया ब्रिज है, आई थिंक हम फर्स्ट या सेकेंड टाइम ही जा रहे हैं इस ब्रिज से, वस्त्रापुर वाला ब्रिज है। एंड लुक एट दिस, अरे वो दिखाना था लेकिन बीच में आ गया बोर्ड, नहीं दिखा पाए, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हम दिखाएंगे आपको IIM वाला ये रास्ता। ऑफ कोर्स धीरन भाई ड्राइव कर रहे हैं। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अभी मिठाखली, कोशिश करेंगे जल्दी पहुंचने की। 9 मिनट दिखा रहा है इसमें, हम कोशिश कर रहे हैं 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। सनरूफ खोलना है नहीं खोलना है? नहीं खोलना है, गर्मी आ रही है। ठीक है, तो सनरूफ नहीं खोल रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधा मिठाखली, तो वहीं पर मिलते हैं आपसे। ये है कुछ व्यू अहमदाबाद का, जो कि आपको 8th floor से मिलेगा। लुक एट दिस बिल्डिंग, ये कौन सा बिल्डिंग है वो एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में आज पहली बार आया है ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, और वो भी आश्रम रोड पे। चेक करना पड़ेगा, बट दिस इज द ब्यूटी। हेलो गुड इवनिंग, आज है सैटरडे शाम ऑलमोस्ट होने को है, 6:30 बज रहे हैं, और जो है फन टाइम विद स्टाफ हम आज से चालू कर रहे हैं। तो आज की एक गेम है जो कि हम खेलेंगे सब स्टाफ के साथ, तो आ जाओ मैं दिखाता हूँ क्या जो है वो गेम है। अपने चालू कर रहे हैं मौलिक भाई से। मौलिक भाई कोई भी एक पेज ले लो इसे, वो आपको क्विकली बोलना है 3 बार। काचो पापड़ पाको पापड़ काचो पापड़ पाको पापड़ काचो पापड़ पाको पापड़। वेल डन, इनका जो है वो एकदम इजी वाला आया था, उस वजह से वो इजीली कर पाए हैं, तो वो वाला अपने निकाल देंगे या फिर ट्राई करेंगे। चलो वापस से जगदीश सर कोई भी एक ले लो, उन्होंने भी वही लिया है। चलो ठीक है, काचो पापड़ पाको पापड़ काचो पापड़ काचो पापड़ पाको पापड़ काचो पापड़ पाको पापड़ काचो पापड़ पाको पापड़। इतना इजी था फिर भी उसमें प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो ये वाला अपने निकाल देते हैं, वंश भाई को वो नहीं देते हैं, सफल कर देते हैं। चलो ये वाला टेम्पररी निकाल देते हैं, इसमें से ले लो। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। फटाफट लास्ट वन, लास्ट टाइम, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। जोरदार क्लैप क्लैप भाई, बड़ा क्लैप करो। चलो दौड़ भाई आ जाओ, कोई भी ले लो, आले मुंह जापी दो। तुम्हारी गुजराती इंग्लिश की जो है गुजराती ढूंढ रहे हैं धवल भाई के लिए। चलो बोलो फटाफट। सूट ऊपर हुड बैठू, हुड ऊपर सूट खा, सूट ऊपर हुड बैठू, हुड ऊपर सूट खा, फटाफट तरह वगैरह बोलो। सूट ऊपर हुड बैठू, हुड ऊपर सूट खा। वाह जोरदार, तुम्हारी इंग्लिश गुजराती कही है?
चलो गिरीश भाई, इंग्लिश मेरे को नहीं आती है। हाँ वो तो आ जाएगा, हिंदी में हिंदी में हिंदी लिखना पड़ेगा इनके लिए, रचना इनके लिए हिंदी वाला कोई भी। चलो अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये एक जो सिंपल वाला था वो हमने निकाल दिया है, कोई भी एक सिलेक्ट करो अंश, कोई भी एक फटाफट एक मिनट। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी विल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम यू स्क्रीम वी विल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। चलो क्लिप ऊंट ऊपर ऊंट बैठू, ऊंट ऊपर सूंट खा। क्या क्या बोला तूने? सूंट ऊपर ऊंट बैठू, ऊंट ऊपर सूंट खा, सूंट ऊपर ऊंट बैठू, ऊंट ऊपर सूंट खा, सूंट सूंट ऊपर ऊंट बैठू, ऊंट ऊपर सूंट खा। चलो परफेक्ट, ग्रेट। એટલે હવે આપણે કરવાને એવું જરૂર હતી કે બે વખત વાંચવાનું પછી એક વખત જાતે બોલવાનું, હા અહીંયાથી આપણે એ રીતે ચાલુ કર્યું છે। ચલો आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। चलो फोर टाइम ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट। આ ઈઝી વાળો રચના માટે એકદમ હાર્ડ વાળો રાખતો દોન જરૂર છે, આ બી રાખી દે। ચલો હા ફરી ચલો બીજો, ચલો ખિસકોલી ખુશી થી ખજૂર ખાય, ખિસકોલી ખુશી થી ખજૂર ખાય, ખિસકોલી ખુશી થી ખજૂર ખાય, ખિસકોલી ખુશી થી ખજૂર ખાય। ઇતની ખુશી, ઇતની ખુશી મુજે ચલ આ રે ઊંટ લઈ લે। સૂટ ઉપર ઊંટ બેઠું, ઊંટ સૂટ ઉપર ઊંટ બેઠું, ઊંટ ઊંટ સૂટ ખા, સૂટ સૂટ ઉપર ઊંટ બહુ ગુજરાતી છે, બેઠું ઓકે, સૂટ ઉપર ઊંટ બેઠું, ઊંટ ઉપર સૂટ, ઊંટ સૂટ ખા, ઊંટ ઉપર ચલો તમે સૂટ હિન્દી, સૂટ ઉપર ઊંટ બેઠું, ઊંટ ઊંટ ઉપર સૂટ ખા, સૂટ ઉપર ઊંટ બેઠું, ઊંટ ઉપર સૂટ, ઊંટ ઉપર નહીં, ઊંટ ઊંટ પણ સર આ શું લખી, જે લખેલું છે જ વાંચો, સૂટ ઉપર ઊંટ બેઠું, ઊંટ ઊંટ ચલો પરફેક્ટ, સહિત આ રચના બધા સહિત ભાઈનું ભી આવશે ને, ચલો એ પહેલા રચના મારું બાકી છે, એ બધાને ટ્રાય કરવાનું, ચલો પહેલા તા ઊંટ વાળું ટ્રાય કર લો, એને તો આવડતું જ મને, ચલો આ બાજુ સૂટ ઉપર ઊંટ બેઠું, ઊંટ ઊંટ સૂટ ખા, ઊંટ સૂટ ઉપર ઊંટ બેઠું, ઊંટ સૂટ ખા, સૂટ ઉપર ઊંટ બેઠું, હવે એમને સૂટ ઉપર ઊંટ બેઠું, ઊંટ ઊંટ સૂટ ખા, ઊંટ ઉપર ઊંટ બેઠું, ઊંટ સૂટ ઊંટ ખા, ચલો ધીરેન સર, ચલો ધીરેન સર, અહીંયા ધીરેન સર, અહીંયા આવી જાઓ ધીરેન સર,
चलो अभी धीरेन भाई को बुलाया है यहाँ पे और वो सभी मंच से मंच पे खड़े होके सभी को सभी ऊंट को उड़ाना है सूट ऊंट पर चलो फटाफट हाँ मैं बात मुझे पड़े ना सूट ऊप ना 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 फटाफट ना नहीं भी पड़े लेखू जेवू जे नहीं बोले सूट ऊपर ऊंट बैठू ऊंट ऊंट सूट खा सूट ऊपर ऊंट बैठू ऊंट ऊंट सूट खा सूट ऊपर ऊंट बैठू ऊंट ऊंट सूट खा चल सूट ऊपर ऊंट बैठू ऊंट 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 सूट खा सूट ऊपर ऊंट बैठू ऊंट ऊंट सूट खा बराबर चलो कंटिन्यूस चलो सही बोल सूट ऊपर ऊंट बैठो ऊंट ऊंट सूट खा सूट ऊपर ऊंट बैठो ऊंट ऊंट सूट खा तो ये था बेसिकली सैटरडे फन टाइम विद द स्टाफ तो हम प्लान करेंगे एवरी सैटरडे ऐसा ही कुछ फन टाइम करेंगे स्टाफ के साथ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रचना की तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अरेंज करके रखेंगे तो वैसा ही कुछ फन करेंगे अपने टिल देन गुड बाय आज का दिन यहीं पर ख़त्म करते हैं मंडे मॉर्निंग में डायरेक्ट मिलते हैं आपके साथ थैंक यू कुछ काम समय ही कुछ काम समय ही खुद ही करता है कैमरा समझिए कुछ काम समय ही खुद ही करता है फरीदी बोल कुछ काम समय ही खुद ही करता है।